फ्रेंड्स, दिस इज परवीन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन अकेडमी. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लेटेस्ट क्यू कार्ड एंड द टॉपिक इज डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू वुड लाइक टू बाय फॉर योर फ्रेंड. दैट मीन्स कि आपने एक पर्टिकुलर गिफ्ट बताना है जो आप अपने फ्रेंड के लिए बाय करना चाहते हो. एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर, व्हाट इज द ओकेजन, ओकेजन कौन सा है जिस पे आप देना चाहते हो. लाइक कोई भी ओकेजन हो सकता है, कोई बर्थडे हो सकता है, कोई सेरेमनी हो सकती है, उसकी वजह से आप उसको देना चाहते हो. देन व्हाट डू यू वांट टू गिव, कौन सा गिफ्ट देना चाहते हो आप, कौन सी आइटम आप उसको गिफ्ट करना चाहते हो. देन व्हाई हैव टू चूजन इट, आपने रीजन बताना है कि आपने यही गिफ्ट क्यों चूज करा उसके लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. वेल, कंफरिंग प्रेजेंट टू बिलव्ड वंस इज अ रॉयल ट्रेडिशन. दैट मीन्स कॉन्फरिंग इज गिविंग, कि गिफ्ट देना, प्रेजेंट देना अपने बिलव्ड वंस को एक रॉयल ट्रेडिशन है. इन माय नेशन, मेरी कंट्री में, एंड आई एम वन ऑफ देम हु फॉलो इट, कि मैं भी उनमें से एक हूँ जो ये ट्रेडिशन फॉलो करती हूँ. देन इन ऑर्डर टू मेक मासेस एलेटेड, किस चीज़ के लिए, ताकि लोग खुश हों. मासेस मीन्स पीपल, elated मतलब के हैप्पी, कि उनको खुश रखने के लिए मैं भी उनको प्रेजेंट देती हूँ, गिफ्ट देती हूँ. देन अब आपने बताना है कि कौन सा ओकेजन है जिस पे आप वो गिफ्ट देना चाहते हो. आई नेवर मिस द बोट, कि मैं कभी कोई चांस ही नहीं छोड़ती हूँ. मिस द बोट दैट मीन्स कि मैंने कभी कोई चांस नहीं छोड़ा, या मैं कभी कोई चांस छोड़ती ही नहीं हूँ. जब भी कभी, when there is an अपॉर्चुनिटी, जब कभी कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिले टू गिव गिफ्ट. सो ओकेजन कौन सा है. हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ गिफ्ट दैट आई वुड बाय फॉर माई बॉसम फ्रेंड राहुल ऑन हिज बर्थडे, कि उसके बर्थडे पे मैं उसको ये गिफ्ट देना चाहती हूँ. दैट इज कमिंग ऑन नेक्स्ट वीकेंड, जो कि नेक्स्ट वीकेंड आने वाला है. देन अब आपने बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कवर अप हो गया है. अब आपने बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप देना चाहते हो उसको एज अ प्रेजेंट. सो आई वुड चेरिश टू गिव एन एप्पल वॉच टू हिम. चेरिश दैट मीन्स लव, कि मुझे पसंद है, मैं बहुत अच्छा फील करूंगा अगर मैं उसको एक एप्पल वॉच गिफ्ट करूंगा. एज बींग टेक सेवी, लाइक कि वो एक टेक्नोलॉजी लवर है, दैट्स वाई कि मैंने ये चूज करा है कि मैंने उसको ये गिफ्ट देना है. He adores to utilize it. Adores, that means love. कि वो भी इस चीज को पसंद करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा उस चीज को ऑन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे. देन नॉट ओनली ओइंग टू अम्यूजमेंट पर्पस, अम्यूजमेंट दैट मीन्स इंटरटेनिंग, कि सिर्फ यही नहीं है कि ये जो वॉच है उसके लिए इंटरटेनिंग पर्पस के लिए यूज होएगी, बट For it is also for the sake of study. That means कि ये उसकी study में भी उसकी help करेगी. He does lots of search on internet. जैसे कि वो बहुत सारी search करता है internet पे, so ये चीज़ उसके लिए ज़्यादा अच्छी होएगी. I believe that it is the most appropriate present for him. कि मुझे ये लगता है, मेरा विश्वास ये है कि अगर मैं उसको ये gift दूंगा, that means कि ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होएगा. Well, I was in dilemma initially. Dilemma, that means कि मैं थोड़ा सा दुविधा में था, like मैं थोड़ा confused था, जिसकी वजह से first में कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने देना क्या है. That what ought to I give him? Ought to एक modal है, that means कि should, कि मुझे क्या देना चाहिए उसको. What ought to I give him? To make him ecstatic. That means happy, कि मैं ऐसी कौन सी उसको चीज दूं जो उसको happy कर दे. Then I realized he expressed his desire to buy an Apple Watch from iConcept. तब मुझे realize हुआ कि एक बार उसने मेरे सामने अपनी desire जो है वो express करी थी. That means कि उसने अपनी इच्छा जाहिर करी थी मेरे सामने. Desire that means कि उसने इच्छा अपनी जाहिर करी थी मेरे सामने कि वो एक एप्पल वॉच बाय करना चाहता है जो नियर बाय ही एक iConcept है वहां से. देन ही कैन कनेक्ट हिज आईफोन. तब अब आपने लास्ट क्वेश्चन जो है
उसको एक्सप्लेन करना है, दैट इज कि आपने ये गिफ्ट चूज क्यों करा। अब आप सारे फीचर्स बताओगे कि आपने क्यों जरूरी समझा इस चीज को कि वो आप उसको एज अ प्रेजेंट गिफ्ट करो। ही कैन कनेक्ट हिज आईफोन एंड ही कैन अटेंड कॉल्स विदाउट होल्डिंग हिज सेल फोन। कि एक तो वो अपना आईफोन जो है अपने एप्पल वॉच के साथ कनेक्ट कर सकता है, देन वो कॉल्स भी अटेंड कर सकता है अपनी वॉच के साथ विदाउट होल्डिंग हिज सेल फोन, कि उसको अपने सेल फोन को होल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ही कैन ऑल्सो गेट ऑल नोटिफिकेशंस, कि वो अपनी नोटिफिकेशंस जो हैं, लाइक नेक्स्ट है कि एज ही हैज मिलियंस ऑफ फैंस ऑन सोशल मीडिया, कि जैसे कि उसके बहुत सारे सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं, तो वो सारी नोटिफिकेशंस जो है वो विद इन सेकेंड्स अपनी एप्पल वॉच पे भी ले सकता है। देन इट वुड बी अ चेरी ऑन केक, चेरी ऑन केक। सो इसका मतलब है कि ये जो सारे फीचर्स मैंने इस चीज के बताए हैं वो गुड तो है ही, बट अगर मैं ये एप्पल वॉच दूंगा उसको तो ये ज्यादा बेटर रहेगी, लाइक कि इस चीज के ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है ही, बट इट वुड बी अ चेरी ऑन केक। देयरफॉर दिस इज अ गिफ्ट दैट आई वॉन्ट टू बेस्टो टू माई बेस्ट फ्रेंड। सो आप एंड अप करोगे कि यही एक गिफ्ट है जो मैंने उसके लिए चूज करा, वॉन्ट टू गिव बेस्टो, दैट मीन्स कि गिव, कि देने के लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड को। आई होप ये टॉपिक आप सबको क्लियर होएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग विद मी।